लौकी का जूस स्वादिष्ट नहीं लगता, तो मैंने उसका स्वाद अच्छा बनाने के लिए एक रेसिपी तैयार की है, लिख लो वो भी। लौकी में हरी तुलसी, हरा पुदीना, हरा धनिया, थोड़ा नींबू डालो, एकदम इतना टेस्टी जूस हो जाता है तुम्हारा पीने का मन करेगा कि इससे बढ़िया तो संजीवनी जैसा, अमृत जैसा हो गया है। ये अपने घर में लगा के रखो, डाल के पी लो, इतना स्वादिष्ट लगता है। और जिनको कोई बीमारी विशेष नहीं है तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो और थोड़ा सा नींबू डाल दो, तो इतना टेस्टी होता है। अब लेकिन ज़्यादा नहीं पीना, कुछ लोग टेस्ट टेस्ट में ना फिर चार चार पी जाते हैं गिलास, फिर अकड़ जाते हैं, बोले बाबा ये तो अकड़ गए इतना ठंडा होता है पूरा। ज्यादा नहीं पीना, एक गिलास से ज्यादा नहीं पीना। अब मैंने एक दिन बताया अदरक के फायदे, कि अदरक डाइजेशन की अच्छा है, कफ के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, अदरक के फायदे बता दिए, इसे एलर्जी के लिए अच्छा है। एक आदमी ने क्या किया, एक गिलास जूस पी लिया और मर गया। किसी को मर के देखना हो तो तुम तो क्या देखोगे, तुम्हारे घर वाले और पड़ोसी देखेंगे, मरने के बाद तुम कहां देखोगे। अब एक गिलास अदरक का एक गिलास जूस पी गया, वो मर गया। एक गिलास, एक चम्मच लेना था भाई, तुम एक गिलास पी गए, ये तो गलत बात है ना। लेकिन ये तो ये खतरनाक हो जाता है। तीन चार गिलास जूस, लौकी के जूस पीने से मरोगे तो नहीं, लेकिन कड़वी लौकी का जूस पी लिया तो उल्टी, दस्त और खून के दस्त हो जाते हैं, उससे आदमी की मौत हो जाती है। कुछ लोगों की मौत हुई है लौकी का जूस पीने से, नहीं, कड़वी लौकी का जूस पीने से ब्लीडिंग हो जाती है, खून निकल गया पूरा बह गया तो आदमी मरेगा। फिर कड़वी लौकी का जूस और पीना भी नहीं, और कड़वी लौकी खाना भी नहीं, खाते तो इसलिए नहीं, जब कड़वी लौकी आती है तो फेंक देते हैं, बोले ये तो अच्छी नहीं। अब नुकसान बता रहा हूं मैं, दवा की भी मात्रा होती है ना।